अशोक अरोड़ा फॉर्मर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट। हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अशोक अरोड़ा जी, आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि जो ईवीएम की मशीन को लेकर बवाल उठता हर बार, तो उस पर किस तरीके से जो निर्णय लिया जाएगा। देखिए, सबसे जरूरी बात है, एक तो ईवीएम दुनिया में कहीं नहीं है, सब जितने भी विकसित देश हैं उन सब में पहले शुरू हुई बाद में खत्म की। लेकिन ईवीएम का सबसे जरूरी सवाल आपको दिमाग में और जनता को बताने वाली ये बात है, जो भारत के सबसे मशहूर, सबसे ऑनेस्ट, सबसे कॉम्पिटेंट एक सीईसी जो हुए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कृष्णा मूर्ति, उनका बयान पढ़िए। उन्होंने कहा जब तक ईवीएम सेट नहीं होंगे तब तक इलेक्शन का कोई मायना नहीं है, इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी को इस पे काम करना चाहिए कि ईवीएम की जगह फिर से बैलेट पेपर आना चाहिए। ईवीएम को लेकर कोई प्रदर्शन नहीं, कोई धरना? हाँ, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, यू आर राइट, करना चाहिए। ये प्रकाश अम्बेडकर जी ने भी कहा, सीईसी ने भी बोला, और जितने भी बुद्धिजीवी हैं इसकी बात कर रहे हैं कि ईवीएम जो है वो चेंज करना चाहिए, बैलेट आना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इतनी सी बात है। अरोड़ा जी, अभी बीसीडी का चुनाव होने जा रहा है, क्या वो मशीन से होगा या बैलेट पेपर से? अरे ये तो बड़ा मेरे को नहीं पता है, मेरे को पता नहीं है फ्रेंकली, बीसीडी पे मैं नहीं बोलना। जानकारी लेते हैं कि हमारे बीच में है शत्रुघ्न जी, जो इग्नू के अंदर प्रोफेसर हैं और बाबा साहब को अच्छा पढ़ा और बाबा साहब के बारे में बातें करते हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि आज जो प्रकाश अंबेडकर जी ने जो जन सैलाब दिखाया था, इसका क्या उद्देश्य है? सर, आज जो ये रैली हुई और इसमें प्रकाश अंबेडकर जी ने रैली को संबोधित किया, सर इस तरीके की रैलियां बार बार होती हैं और ज्ञापन दिए जाते हैं, सर इस पर अमलीजामा नहीं पहुंचाया जाता है? सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है जी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। बाबा साहब ने हमें अपने समाज को, बहुजन समाज को जो रास्ता दिखाया, उसे बाकी लोगों ने नहीं माना, और आज उनके पोते को आज इस जगह इस जंतर मंतर पे आना पड़ा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि सदियों से जो गुलामी की जंजीर जो है वो हमारे बहुजन समाज के ऊपर आज भी कायम है, और इसके लिए बाबा साहब के पोते को आज आना पड़ा। दुनिया में मिसाल है, जो देश, जिस देश में बाबा साहब जैसे लोग होते हैं, जिस देश में बुद्ध जैसे लोग होते हैं, जिस देश में अशोक जैसे लोग होते हैं, और भी महान लोग होते हैं, कबीर, संत रैदास, इतने सारे लोग होते हैं, उस देश में आज भी इस देश का बहुजन समाज गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है, और इसलिए जिस महान व्यक्ति ने इस देश को संविधान दिया, जिस महान व्यक्ति ने दुनिया को रास्ता दिखाया, और उस समाज के लोग, उनके समाज के लोग आज भी गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, और इसी गुलामी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, फिर से गुलामी की वही पुराना इतिहास हमारे सामने लाया जा रहा है, हमारे युवाओं को, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, इसी के लिए बाबा साहब के पोते आज ज़मीन पर उतर कर हमारे सामने आए हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरे देश के एक एक बहुजन को, एक एक स्त्री पुरुष बच्चे को इस बात को समझना होगा, वरना वो जो हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, जो गुलामी हमारे साथ की गई, हमें जानवर से भी बदतर ज़िंदगी जीने को राजी किया गया, और वह पुनः आने की कोशिश, पुनः लाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि हमें इसको जोरदार शब्दों में, जोरदार आवाज़ उठाकर इसको हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना यह गुलामी बार बार कायम होती रहेगी। धन्यवाद सर।